हिंदू जागरण मंच ने सोमवार को घंटाघर चौक पर लव जिहाद का पुतला फूंका। कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस की नजर भी विरोध प्रदर्शन पर बनी रही। लव जिहाद का शिकार हुई अपनी लापता बेटियों को वापस मिलने की आस लगाए पीड़ित परिवार द्वारा हिंदू जागरण मंच के साथ मिलकर धरना दिया जा रहा है। घंटाघर चौक पर 1 सितंबर से सभी लोग धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक लापता बेटियों का पता नहीं चल सका। इन सभी मामले में आरोपियों पर प्रकरण दर्ज है, लेकिन पुलिस अभी तक एक को भी गिरफ्तार नहीं कर पाई। इसे लेकर हिंदू जागरण मंच और पीड़ित परिवार में आक्रोश है। उनके द्वारा धरने के छठवें दिन लव जिहाद का पुतला जलाने का कार्यक्रम रखा गया। धरना स्थल पर सुबह से ही पुतला मंच के सामने लाकर रख दिया गया था। पुतले को जूते और चप्पल की माला पहनाई गई। दोपहर में करीब 4 बजे लव जिहादियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। हिंदू जागरण मंच के जिलाध्यक्ष डॉक्टर अनीस अर्झरे ने बताया कि 30 बेटियों को लव जिहाद का शिकार किया गया है। लव जिहादी शहर में कहीं घूमता हुआ नजर आया तो उसका हाल भी इसी पुतले की तरह किया जाएगा। यह चेतावनी है कि अब और नहीं सहेंगे। पुलिस ने अब तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की। मंगलवार को भी इसी तरह से उग्र आंदोलन किया जाएगा। जब तक बेटियां उनके परिवारों तक नहीं पहुंचती और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होती, तब तक धरना जारी रहेगा। आज हम लोग बैठे हैं पिछले 6 दिन से धरने पर। पिछला पीड़ित परिवार पूरा बैठा हुआ है। आज उनकी माँ बैठी हुई है, उनकी बहन बैठी हुई है, उनके पिताजी बैठे हुए हैं। चारों पीड़ित परिवार आज बैठे हुए हैं। बाकी प्रशासन की तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा है। आज मजबूरन हमारे को सांकेतिक रूप से आज पुतला दहन करना पड़ा। ये पुतला दहन भी हम इसलिए कर रहे हैं कि आज 4 बहनें तो हमारी गई हुई है, बाकी 30 बहनें संगठन के पास चिन्हित और हैं। 30 लव जिहादी लोग हमारी लड़कियों के साथ किसी भी प्रकार का वो पूरा शहर में घूमते हुए नजर आती आए, या किसी गली या चौपाटी में नजर आए, या किसी मजार पर नजर आए, तो उनका हाल भी इस पुतले का जैसा ही किया जाएगा। यह चेतावनी है। एक भी लड़की यदि हिंदू लड़की को कोई भी जिहादी यदि खंडवा शहर में घूमता हुआ नजर आया तो उसका परिणाम भी एक पुतले जैसा होगा। ये चेतावनी पत्र है। कल प्रशासन के लिए नया एक और निर्णय हम लेके आएंगे। कल शाम को 4 बजे फिर प्रदर्शन उग्र रूप से किया जाएगा। धन्यवाद।